हीराकुद जलभंडार निर्माण हेबो सौर प्रकल्प। 10 वर्ग किलोमीटर अंचल रे प्रकल्प निर्माण नहीं सरीची सर्वे। प्रथम पर्यायर 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य। बन्या नियंत्रण, जलसेचन और विद्युत उत्पादन को दृष्टि रखी हीराकुद बहुमुखी नदीबंध योजना आरंभ होता। एवं एथिरे जोड़ी हेबाकु जाउछि आउ एक नुआ फर्द। हीराकुद जलभंडार निर्माण हेबाकु जाउछि सौर विद्युत प्रकल्प। एनी भारत सरकार को अनुमति परे जलभंडार 10 वर्ग किलोमीटर अंचल रे सरीचि सर्वे काम। भारत सरकार को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परिचालित तो सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एही प्रकल्प काम हाथ को नहीं बेले एथिपाय प्राय 200 कोटी टंका खर्च हेबो बोली जनापड़ी। सर्वे सरीथिबा बेले परे प्रकल्प काम आरंभ हेबाकु थिबा बेले प्राथमिक पर्यायर 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य रही सूचना देखते ड्यम्र मुख्य जंत्री। आमर जो सोलार प्रोजेक्ट सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा करने को जा प्रस्तावित प्रोजेक्ट एक्चुअली आरंभ है ना तर सर्भे इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो सर्भे इन्वेस्टिगेशन 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो थोर इफेक्टिव हम आम 1 स्क्वायर किलोमीटर से आम प्रस्तावित मानने जो प्रकल्प प्रस्तावित अनुसार सेटा आमर 40 मेगावाट पावर जेनेसन हम। जलभंडार सौर प्रकल्प निर्माण पर ओडिशा जल संपद विभाग और शक्ति विभाग अनुमति मिली। एमतीक एठार उत्पादन होगा विजुड़ी को किणवा को विद्युत वितरण कंपानी ग्रिडको मध्य सहमति दे सारी सूचना मिली जार ग्रिड सबस्टेसन बुर्लार कंटापाली रही जमापड़ी। यहाँ निहाती आग्रह हवा कथा जहाँ हूँ डेरी रे भी होती भल पदक्षेप निद्वारा बहुत ओडावासी कौन आम आख पड़ोशी राज्य मध्य उपकृत हे आशा करुच्ची उत्तरोत्तर आहरी भल हो आग को आहरी यहाँ तो 40 मेगावाट्र जो बाहर से आहरी या भल कम होगा कथा आहरी मेगावाट ये जमी हो पार और लोक जमी उपकृत हे लाइन को जमी लाइन बारंबार बारंबार असुविधा होता सब जमी न हुए से चिंता जो कर सरकार पक्ष निश्चित बहुत प्रशंसाजोग्य। हीराकुद जल विद्युत प्रकल्प द्वारा दैनिक 275 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रही विभिन्न कारण जो पूर्ण क्षमता अनुजाई विजुली उत्पादन हो पारना तेणु यह सौर विद्युत प्रकल्प कार्यक्षम हेले शक्ति उत्पादन वृद्धि पाइब। अन्यपटे हीराकुद जलभंडार सौर विद्युत प्रकल्प को विभिन्न महल स्वागत। संबलपुर बुर्लारू ज्योतिनंदन रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।